हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिन स्ट्रीट। आज के क्रिप्टो न्यूज़ में हम बात करने वाले हैं, अल्ट कॉइन्स के अंदर रैली चल रही है, बट जो बिटकॉइन बुल्स हैं वो रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं एट $34,000। अभी हमने एक न्यूज़ कवर करी थी जिसमें हमने बताया था कि January 22 को बिटकॉइन की जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो गई थी और वो $29,000 से भी नीचे चली गई थी। बट ये जो ड्रॉप था वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए था और बिटकॉइन को एक न्यू वेव ऑफ सपोर्ट मिल गया था। और इसके साथ साथ जो माइक्रो स्ट्रेटजी है, जो एक ऐसी कंपनी है जो बिजनेस इंटेलिजेंस, मोबाइल सॉफ्टवेयर और क्लाउड बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उसने 10 मिलियन वर्थ के बिटकॉइन जो है वो खरीद लिए थे। और कॉइन टेलीग्राफ और ट्रेडिंग व्यू के डाटा के अकॉर्डिंग इस स्ट्रॉन्ग इनफ्लो के बाद जो बिटकॉइन है वो 4% इंक्रीज हो गया था और उसकी वैल्यू $33,000 तक पहुँच गई थी। अभी हमने एक न्यूज़ करी थी जिसके अंदर हमने जो बाइडन के स्टिमुलस पैकेज के प्लान के बारे में बताया था। इस प्लान के बाद एक कन्वर्जेशन राइज हो रही है जिसमें कि जो कह रहे हैं कि जो बिटकॉइन है वो एक रिजर्व करेंसी बन सकता है। अगर ऐसा हुआ तो बिटकॉइन जो है वो अपने $34,000 के रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सकता है। इसके साथ साथ अभी हमने एक और न्यूज़ करी थी जिसमें हमने बताया था कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो अब स्टेबल कॉइन्स और पब्लिक ब्लॉकचेन्स का यूज़ कर सकते हैं अपनी सेटलमेंट्स के लिए। ये भी एक कारण हो सकता है बिटकॉइन का प्राइस इंक्रीज होने में आगे फ्यूचर्स में। अभी JP Morgan के एनालिस्ट ने ये कहा है कि अभी जो बिटकॉइन के प्राइस में वोलेटिलिटी चल रही है वो एक ऐसा ट्रेंड शो करती है जिससे कि जो बिटकॉइन है वो एक साइक्लिकल एसेट बन जाता है, ना कि एक हैज। अब हम बात करते हैं अल्टकॉइंस के बारे में। पिछले हफ्ते की करेक्शन के बाद जो अल्टकॉइंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिकवर हो गई हैं। जैसे कि पोल्का डॉट है, उसमें 7% इंक्रीज़ आया है और उसकी वैल्यू $18 तक पहुँच गई है। और जो चेन लिंक है उसमें ने भी डबल डिजिट गेन जो है वो हासिल किया है और उसकी वैल्यू $22 तक पहुंच गई है। अब टेजोस जो है उसमें भी 15% का इंक्रीज़ आया है और उसकी वैल्यू $3 तक पहुंच गई है। अभी ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो अबाउट $949 मिलियन तक पहुंच गई है और इसके अंदर जो बिटकॉइन डोमिनेंस रेट है वो अबाउट 64% है। अगर आपको डिफरेंट इंडिया में डिफरेंट एक्सचेंजेस पर बिटकॉइन का प्राइस कंपेयर करना है तो विजिट कीजिए हमारे नए प्लेटफॉर्म hodlinfo.com पर। और अगर आपको क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट finstreet.in पर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे कोर्सेज को। तो ये थी आज की क्रिप्टो न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फिन स्ट्रीट। थैंक यू।